हेलो क्लास वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल टुडे वी विल लर्न इंग्लिश ग्रामर चैप्टर वन ऑफ क्लास फर्स्ट चैप्टर वन द इंग्लिश अल्फाबेट उसमें हम देखेंगे आज कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स एंड फ्रॉम लेटर टू वर्ड्स फर्स्ट है अल्फाबेट तो व्हाट आर अल्फाबेट्स अल्फाबेट क्या है वो हम आज देखेंगे एन अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर यूज फॉर राइटिंग्स अल्फाबेट अल्फाबेट मतलब जो कंटिन्यू हम ए बी सी ऐसे हम कंटिन्यू लिखते ए टू जेड बराबर उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं आगे हम देख रहे हैं लेट्स गो एंड लर्न अवर कैपिटल लेटर्स

जेड अब ए टू जेड ये हमने जो पढ़ा वो कैपिटल अल्फाबेट है नेक्स्ट हम देखेंगे लेट्स गो एंड लर्न आर स्मॉल लेटर्स अब ऐसे ही कंटिन्यू हम ए टू जेड पढ़ेंगे बट लिखने में डिफरेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Do you know when letters of the alphabet are written in the right order? We say they are in alphabetical order. Hum. कंटिन्यू जब लिखते हैं कि ए बी सी डी ऐसे कंटिन्यू जब हम ए टू जेड लिखते हैं तो उसको हम अल्फाबेट ऑर्डर बोलते हैं आइए हम आगे देखते हैं दैट वाज दैट वॉज टू ईजी एकदम ईजी है ये जो है हमें अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना एकदम ईजी है नाउ लेट इज लर्न टू फ्रॉम वर्ड्स फ्रॉम लेटर बट वॉट आर वर्ड्स अब हमें जानना है कि वर्ड्स क्या है वर्ड्स अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल अ वर्ड हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसका मीनिंग बनना चाहिए मीनिंग होना चाहिए उसको ही हम वर्ड बोलते हैं अस सी सम एग्जांपल यहाँ पर हमने लेटर लिख दिए हैं ए बी एंड टी तो इसका कोई मीनिंग है नहीं है ये ओनली लेटर है क्या है लेटर है बट उसमें से ही हमें वर्ड बनाने हैं जिसका मीनिंग कुछ बनता है बराबर तो इसी में से यही लेटर को हम लेंगे बी लिया ए लिया और टी लिया बी ए टी बी ए टी क्या होगा बैट उसके बाद हमने लिया टी टैब तो यही जो उलट पुलट लेटर हमारे पास है उसी में से हमने दो वर्ड बनाए और ये वर्ड का मीनिंग निकल रहा है इसीलिए हम इसको लेटर्स बोलते हैं क्योंकि ये लेटर अलग अलग है बट उसका कोई मीनिंग नहीं है और यहाँ पर हमने अरेंज किया जो लेटर थे वही अरेंज करके हमने वर्ड बना दिया और उसका मीनिंग निकल रहा है आगे देखते हैं लेटर सी सम एग्ज़ाम्पल वर्ड्स और कौन कौन से वर्ड्स से मैं आज आपको बता रही हूं बॉय बी ओ वाई बॉय अगर हम इसी को ओ वाई बी लिखेंगे तो वो वर्ड्स बनेगा नहीं बनेगा क्यों क्योंकि उसका कोई मीनिंग है ही नहीं तो बी ओ वाई बॉय टी ओ वाई टॉय जी आई आर एल गर्ल पी ई एन सी आई एल पेंसिल तो ये जो सब है वो वर्ड्स है क्यों क्योंकि वो लेटर ही है बट उसका ऐसे सेट किया हुआ है कि उसका मीनिंग निकल रहा है इसलिए हम उसको वर्ड्स बोलेंगे लुक एट द इमेज एंड द लेटर्स गिवन विद दैम रीअरेंज दैम एंड फ्रॉम एंड फ्रॉम लेटर्स अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है तो आपको पता है कि ये क्या है सबको पता है ना कि ये कैट है बट यहां पर लेटर उलट पुलट लिखे हुए हैं ए टी सी तो ये कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि ये ओनली लेटर्स लिखे हुए हैं तो हमें ये पिक्चर देखना है और उसका सही आंसर लिखना है सही मीनिंग के साथ उसका स्पेलिंग बनाना है तो क्या बनेगा सी ए टी कैट उसके बाद है बॉल सबको दिख रहा है बॉल पर नीचे अलग अलग लेटर्स दिए हुए वो रॉन्ग है बी एल ए एल उसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं तो हम उसका सही स्पेलिंग बनाएंगे बी ए डबल एल बी ए डबल एल बॉल उसके बाद है ट्रेन बट ये जो है वो लेटर्स ही है ओनली हमें सही स्पेलिंग बनानी है आर टी एन ए आई इसी में से हमें अरेंज करना है और सही वर्ड्स बनाना है टी आर ए आई एन ट्रेन नेक्स्ट है बुक तो यहां पर लेटर्स दिया है बी ओ के ओ और इसी में से हम सही स्पेलिंग बनाएंगे बी डबल ओ के बुक नेक्स्ट है कार यहां पर लेटर दिया है आर सी ए उसको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट नहीं करना है बट हमें क्या करना है सही स्पेलिंग बनानी है सी ए आर कार थैंक यू दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगल स्कूल कड़ी